और उसके बाद वो सभी का पोषण पालन कर रही है, उसको हिरण शक्ति से कहा गया।
और जो सबको ज्ञान प्रदान करके संसार में रहने योग्य बना रहा है, और उसके बाद अंत में उसका हनन कर लेता है ज्ञान पूर्वक, वो एक शक्ति है। इसके अलावा दो शक्तियां और है परमात्मा की, एक कृपा शक्ति है। अब यह सब तो क्रिया प्रक्रिया चल रही है, कोई समझ नहीं पाता। जब संसार में रहते रहते बहुत दुख हो जाता है तो लोग कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, अन्नपूर्णा के पास जाते हैं, भैरव के पास जाते हैं, हनुमान जी के पास जाते हैं, राम जी के पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, प्रभु मेरा यह दुख है दूर कर दीजिए। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम यो अर्जुन, अर्थार्थी ज्ञानी आर जिज्ञासु। जो धन चाहता है वो भी मेरे पास आता है, जो शरीर आदि से किसी तरह से दुखी आत्मा है वो भी मेरे पास आता है। बहुत लोगों का शादी विवाह नहीं होता, वो पहुंच जाते हैं माँ के दरबार में। एक सदियों तो हमको यही मिले, यही आए थे मिलने। आज के आपको लगता है पिछले साल की बात है, मिलने आए हम सभी से मिलवाए तो वही बताने लगे कि ज्ञान बापी के नीचे जो मंदिर है तो वो कौन श्रृंगार गौरी है ना, कर्म श्रृंगार गौरी में पिछले साल दौड़ते दौड़ते लड़की शादी खोजते खोजते थक गया तो श्रृंगार गौरी में गया। मैंने कहा कि माँ हमारे बिटिया की शादी तय कर दो, तो 3 महीने में शादी तय हो गई। तो कर्ता परमात्मा ही है, अलग अलग ढंग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आशीर्वाद देता है। वह जो परमात्मा से जीव अलग होकर के अपने को सुखी दुखी समझ रहा है, जीव समझ रहा है, वह वास्तव में परमात्मा का अंश। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना संस्थाने इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने। रामचरित मानस में भगवान कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। वह ईश्वर का ही अंश है, तो जो चेतन है अमल है और सुख की खान है सुख राशि है, वह अपने को संसार में सुखी दुखी समझता है कि नहीं है ना। आज ये मेरा काम नहीं हुआ, ये मेरा काम नहीं हुआ, वो गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया, यहाँ ये उल्टा हो गया, वहां पर वीर झंझट हम लोग दिमाग पाल लेते हैं, जबकि यहाँ चेतन आत्मा। तो एक भगवान की ऐसी शक्ति है जो उसको सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, वही गुरु तत्व बनता है, और उसका नाम है अनुग्रह शक्ति। वह अनुग्रह शक्ति समस्त जीवों को कल्याण में लगाए रखती है, तो इसलिए सबको जगह जगह कहता है कि प्रथम भगत सबसे पहले संतों के साथ रहो, संतों के साथ रहते रहते चित्त में भाव आएगा, है ना, कथा सुनेगा भगवान के लिए लगेगा, भगवान की पूजा पाठ करेगा, भगवान को चाहने लगेगा, देव कमरे में आ जाए कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूँ। जब ऐसा भाव आएगा तो धीरे धीरे घर मन पक जाएगा, घर द्वार छोड़ करके ट्रस्ट में आ जाएगा, है ना, यहाँ रह करके अपना राम राम करता रहेगा, भगवान का ध्यान करता रहेगा कि हमारा किसी तरह भगवान इस जीवन में मुक्ति प्रदान कर दीजिए। यह अनुग्रह शक्ति करती है। तो पचपा परमात्मा की यह पांच शक्तियां जो है, यह पांचों शक्ति निरंतर अपना कार्य कर रही है। अब जैसे आप ये बताओ कि जगत में धनी किसको कहा जाता है, धनी जो धनवान है उसी को तो धनी कहते हैं, अर्थात जो धन का मालिक है वही धनी कहा जाता है। अच्छा पहलवान क्यों कहते हैं, शक्तिमान, जिसके पास शक्ति है वो शक्तिमान है, जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञानवान है, ऐसे ही जिसके पास ये शक्ति है वही शक्तिमान है। तो अब व्यक्ति का धन और व्यक्ति अलग अलग होता है, धनी और धन अलग अलग है, एक ही व्यक्ति है एक ही है, ऐसे ही शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही है। परमात्मा और परमात्मा की शक्ति कभी अलग होती ही नहीं है। अच्छा जरा आप स्वयं विचार करिए, सब लोग देखिए, आप अभी जितने लोग हैं आप में, आपके आंखों में देखने की शक्ति है, कान से सुनने की शक्ति है, मुंह से बोलने की शक्ति है, पैदल चलने फिरने की शक्ति है ना, हाथ उठा के खाते पीते हैं काम कर रहे हैं, शक्ति है ना। और जिस समय सो जाते हैं उस समय वो शक्ति है कि नहीं, शक्ति आपके भीतर ही है, लेकिन उस समय वह शक्ति अक्रिय हो जाती है ना। जिस समय आप है उस समय आप शक्तिमान ही है, लेकिन उसमें आपकी शक्ति सोई हुई रहती है, सोई का मतलब अक्रिय हो जाती है। और जैसे ही आप जलते हैं विभिन्न विभिन्न कार्यों में लेकर के वही शक्ति आपकी जो है क्रियाशील हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा है, वैसे परमात्मा है मूलतः अक्रिय,
वह निर्गुण निराकार तत्व है, लेकिन विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों को अपने शक्ति के माध्यम से करता रहता है। तो यह जो नवरात्रि का आज पहला दिन आया है, इसका विशेष महत्व इसी है कि पर उस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना आज के दिन से ही प्रारंभ किया। सारे ब्रह्मांड की रचना इसी तिथि से प्रारंभ हुई, इसीलिए इसको भारतीय वाङ्मय में इसको हम लोग नव वर्ष मनाते हैं, है ना? नया वर्ष हमारा आज से प्रारंभ होता है। यह जो 1 जनवरी का नया वर्ष चलता है, ये अंग्रेजों का मनाया हुआ है, ये अंग्रेज मनाते हैं वो, क्योंकि वो 25 दिसंबर जिस दिन से उनको वो भौतिक दृष्टि उनकी है, जिस दिन से बड़ा होने लगता है, क्योंकि ठंडे प्रदेश के निवासी थे, जब से सूर्य की गर्मी उनको 25 दिसंबर से मिलने लगती थी उसको बड़ा दिन मान लिए। उसके बाद उसके 1 हफ्ता तक जश्न मनाते रहे, 1 हफ्ता के बाद उनको होश आया तो कहते कि नया वर्ष है, 1 तारीख से नया वर्ष। हमारा जो नया वर्ष है, जिस परमात्मा ने सारा ब्रह्मांड बनाया, उस परमात्मा ने जिस दिन से यह निर्माण शुरू किया, उस दिन से प्रथम वर्ष हमारा शुरू हो जाता है, प्रथम दिवस शुरू हो जाता है। इसलिए आज की तिथि का विशेष महत्व है, और यह सारी सृष्टि का पूरा जितने 84 लाख योनियां हैं, पर्वत है, पहाड़ है, आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, अग्नि है, जितनी है, सारे पदार्थों का परमात्मा ने निर्माण अपने इस शक्ति के माध्यम से 9 दिन में पूरा किया। 9 दिन में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया। हम लोग के सामने देखिए, हम 2 साल से देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, और अभी पूरा नहीं हुआ इसका। बहुत होगा 2000 स्क्वायर फीट होगा, 2000 स्क्वायर फीट का मकान मनुष्य कितना ताकतवर है समझ लीजिए, कि 2 साल से लगा हुआ अभी पूरा नहीं हो पाया। वह परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण 9 दिन में पूरा कर दिया, ऐसा शक्तिमान परमात्मा है। तो उस परमात्मा की जो अनुपम शक्ति है, वही शक्ति माया के नाम से विख्यात है, माता के नाम से विख्यात है, गौरी के नाम से विख्यात है, लक्ष्मी के नाम से विख्यात है, पार्वती के नाम से विख्यात, अलग अलग नाम है माता, अलग अलग नाम क्यों पड़ा, अलग अलग कार्य को लेकर के अलग अलग नाम पड़ गया उस शक्ति का, लेकिन है वो एक ही, चाहे नाना रूप उसका दिखाई दे, नाना कार्य दिखाई दे रहा, लेकिन वो है एक ही। इसलिए जो शंकराचार्य जी के दादा गुरु थे गौड़पादाचार्य जी, वह शुभोदय एक आगम शास्त्र का एक पुस्तक है, शुभोदय गोत्रम, तो उसमें उस शक्ति का वर्णन करते लिखते हैं, भवानी वाम बंदे भव महिषे साचे सुखव पो पराकाराम देवी ममृत लहरिं वैन्दव कलां मातारातीता कलित शरणे कल्पित तनु सुदासिन लोकं तर्वसति मनीषं भवानी हे भवानी हे माँ जगजननी जगदम्बा आनंद कोट ब्रह्मांड की नायिका, मैं आपकी वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? भाव महिषी, भाव माने परमात्मा, उस परमात्मा की तुम महिषी हो, उस परमात्मा की तुम प्रिया हो, और क्या है, तुम्हारा शरीर कहता है तुम दिखाई तो दे नहीं रही हो, कह तुम्हारा शरीर वपु माने शरीर सचित सुख हो, तुम्हारा शरीर कैसा सचित आनंद रूपड़ी, तुम्हारा शरीर कैसा है सचित आनंद रूपड़ी है माता का शरीर। पराकाराम देवी, वह जो निश्चित एक आकार होता है ना, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, पर उस आंखों के आकार में आने वाला यह स्वरूप नहीं है, यह पराकारा है, पर आकारा है। ये कैसे देख सकते हैं इसको, क्यों ज्ञान दृष्टि से ही देख सकते हैं। आप जब मन लगा करके आप सारे इंद्रियों को अंतर्मुख करके ध्यान पूर्वक चुपचाप बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो वह आनंद स्वरूपी सचित स्वरूपी परमेश्वरी का दर्शन आपके चित्त में हो जाएगा। अब आगे कहते हैं कि वह है कैसी, वह देवी है अमृत लहरिन वैद्य कलाम, जैसे अमृत का कोई सागर हो उसमें लहर उत्पन्न हो रहा है ना, तो लहर उत्पन्न होकर गिरता है, छिटक छिटक के एक एक बूंद निकलता रहता है, कह रहे कि उस अमृत के सागर रूपी तुम्हारा जो शरीर है उसमें से एक एक बूंद जो निकलता है वह अमृत स्वरूप ही होता है, जो कोई उस एक बूंद का भी पान कर लेता है
तो क्या हो जाता है, अमृत लहरी में वह दावा कला, आपके एक बिंदु की कला मात्र अगर उसको मिल जाए तो वह अमृत स्वरूप हो जाता है, वह आनंद स्वरूप हो जाता है, वह अमर हो जाता है, फिर जीवन मरण के चक्कर से वह मुक्त हो जाता है। और क्या आपका स्वरूप है, महाकाल अतीत, आप काल से भी अतीत हैं। जो महाकाल है, जो महाकाल लोगों का प्राण हर लेते हैं, कहते कि तुम उसे अतीत हो, अर्थात महाकाल के भी बस में आने वाले नहीं हो। कलित शरणी कल्पित तनु, और वेदों के द्वारा बताया हुआ जो तुम्हारा शरीर है वह तो निर्गुण निराकार स्वरूप ही हो, लेकिन तुम अपने शक्ति सामर्थ्य से कल्पित तनु कलित शरणी, तुम अपने कल्पना शक्ति से जैसा स्वरूप चाहती हो वैसा स्वरूप बना लेती है। जो लोग दुर्गा सप्तशती कभी पढ़े हैं, देखे होंगे, जब रक्त बीज से युद्ध हो रहा था माता का, तो रक्त बीज एक माता ने उसका गला काटा पकड़ करके तलवार से, बस उसके जितने बूंद छिटक के गिरे उतने रक्त बीज और पैदा हो गए। तब फिर माता ने दो चार और काटा, तो जितने काटते 10-20 और पैदा हो जाते। माता समझ गई कि इसके एक एक बूंद से एक एक रक्त बीज पैदा हो रहा है, उसको आशीर्वाद था। तो माता ने अपने शरीर से इतनी विभूतियां उत्पन्न कर दिया, वहां पर 10 महाविद्याओं को उत्पन्न किया माता ने। जो हरिद्वार गए होंगे दक्ष प्रजापति मंदिर में, तो 10 महाविद्याओं का स्वरूप है ना, माता ने 10 महाविद्या उत्पन्न किया, 10 स्वरूप बना दिया आपने, उन्हीं के दर्शन उत्पन्न हुआ। और उसमें एक स्वरूप ऐसा था केवल हड्डी हड्डी थी माता की, बड़ी लंबी ऊंची, और जीव निकालती थी तो आपने समझे कि यहां से निकालती थी जीव तो गोरखपुर तक लंबी जीव होती थी, और चौड़ाई भी 1-2 किलोमीटर की समझ लीजिए। तो माता ने उस काली को आशीर्वाद दिया कि देखो मैं रक्त बीज का वध करूंगी, मैं उसको पकड़ के काटूंगी, और तुम जीव अपना नीचे लगा देना, तो जितने ब्लड गिरेंगे उतने ऊपर वो तुम चट से खा जाना। अब माता केवल हड्डी वाली माता, वो कहाँ खा रही है, कहाँ जा रहा है, इतने इतने हजारों रक्त बीजों को एक बार खा जाती है, उधर से खर्च से मारा रक्त बीज पैदा वो खा लेगा, ऐसा करते करते तब जाकर रक्त बीज का नाम नाश हुआ। आशीर्वाद इन लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को दे दिया, लेकिन सामर्थ्य नहीं था कि उसको बचा पाते। इसलिए जब विकट शक्ति, जब विकट समस्या आ जाती है तो शक्ति को ही आना पड़ता है। ऐसी रामचंद्र जी की कथा आती है ना, आप जब उसमें देखेंगे वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण में उसमें उल्लेख आता है कि जब रामचंद्र जी पुष्पमान से सीता जी को लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो देवी, इतना बड़ा राक्षस मरे पड़े हैं, इसको हमने मार डाला। उन्होंने कहा ठीक है। तो सीता जी ने कहा राम जी को वैष्णो देवी जाना था, उन्होंने वचन दिया था कि लंका से लौट के पहले तुम्हारे पास आएंगे तब आएंगे। तो जब वहाँ जा रहे थे वैष्णो देवी राम जी, तो वहाँ पे रास्ते में देवी ने कहा कि वो बड़ा बढ़िया सरोवर दिखाई दे रहा है, उधर चलिए आकाश मार्ग से। तो मान सरोवर दिखा, तो वहां गए, तो मान सरोवर के बगल में एक और बहुत बड़ा सरोवर था, वहां एक भंडासुर राक्षस था। तो सीता जी ने कहा कि ये कौन है महाराज, अरे कोई जीव जंतु लग रहा है, जब नीचे उतरे देखा जाए, देखते ही उतरे बस भंडासुर आया, राम जी को पकड़ लिया। अब राम जी पूरी ताकत लगा रहे उसको मारने के लिए, अब कुछ नहीं कर पा रहे। तो देवी मुस्कुरा दी, आप तो अभी करते कि मैं रावण को मैंने ऐसे मार दिया जैसे मच्छर मारते, ये तो उससे छोटा है, तो 10 सिर वाला है, तो 1 सिर का है। तो राम जी समझ गए कि मेरे अहंकार को दूर करने के लिए ये भगवती है। तो तुरंत राम जी हाथ जोड़े, तो माता जी ने तुरंत प्रचंड रूप धारण करके भंडासुर का वध कर दिया। वस्तुतः भंडासुर का वध होना ही था, ये तो विधि का विधान होता है, लेकिन ये लीला परमात्मा को कर रहा था। न तो सीता जी राम से अलग है, न राम जी सीता से अलग है। तो सीता जी शक्तिमान अधिक है, राम जी कमजोर है, ना राम ज्यादा शक्तिमान है सीता जी, दोनों एक ही है। लीला करते हैं, एक कभी शक्ति का महत्व बताते हैं, कभी परमात्मा का महत्व बताते हैं। कह रहे हैं कि वह जो आपकी देवी कल जितनी कल्पना करते हो सारा स्वरूप बना लेती हो। सुधा सिंधो अंतर वसति मनीषम वासरमयी, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, तुम्हारा निवास स्थान सुधा सिंधु अमृत का बहुत बड़ा सागर है, अब उसी सागर में तुम्हारा निवास स्थान है। कैसा निवास स्थान तुम्हारा है,
कि उसमें तुम निरंतर वास रमाई वास करती रहती हो और अपने पति शिव के साथ निरंतर रमण करती रहती हो, उसे आनंद मग्न रहती हो। तो माँ का जो वास्तविक स्वरूप बनता है कि वो शिव शक्ति सदैव एक साथ रहते, कभी अलग होती ही नहीं है, दिखाई देता है हम लोग को स्वरूप से, लेकिन शिव शक्ति आप और आपकी शक्ति सदैव एक साथ रहते हैं। जिससे में हम बैठे हुए तो हमारी शक्ति भी हमारे भीतर है और वो शक्ति ही बोल रही है, वो शक्ति ही देख रही है, आज शक्तिमान भी भीतर ही बैठा हुआ है। आगे वो कहते हैं शिव शक्त्यायोक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलास्पन्दितुमपि अतस्त्वाम् आराध्यम् हरिहर विरञ्चादिभिरपि प्रणन्तो स्तोतुम् वा शिव जब शक्ति से युक्त होता है, जब शिव जब शक्तिमान होता है, तभी वह हिलने डुलने में किसी भी तरह का कोई भी कर्म करने में प्रभावशाली होता है। हम लोग है ना, जब वह परमात्मा की शक्ति इसमें है तो हम शक्तिमान बने हुए हैं, चाहे अल्प शक्ति ही है लेकिन हमारी शक्ति परमात्मा की दी हुई शक्ति से शक्ति बनी है। वही गेहूं का आटा चक्की में पीसा जाता है तो चक्की तो घिसती चली जाती है, घिसती नहीं, चाहे लोहे की चक्की लगाइए पीसते पीसते वो भी घिस जाती है। अब उसी गेहूं का आटा खा करके हम लोग शक्तिमान बनते जाते हैं। अगर आटे में शक्ति होती तो चक्की को भी तो शक्तिमान बन और मजबूत होना चाहिए था, वो तो घिसता जाता है। यही परमात्मा की शक्ति समझनी चाहिए कि परमात्मा अपनी शक्ति से आपको शक्तिमान बनाया गया है। जब परमात्मा शक्ति अपनी खींच लेता है, आंख भर से खींच लिया तो चश्मा लग गया, थोड़ा और खींच लिया तो एक आंख से दिखाई देगा, और थोड़ा और खींच लिया तो सचेतन जी की तरफ से बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं? उसने एक हाथ की तो शक्ति खींच लिया तो लूला हो गया, और एक अंग से पूरा खींच लिया तो क्या होता है, फालिज मार दिया। ये फालिज क्या है? अब तक डॉक्टर समझ पाए कि फालिज होता कैसे है। वह परमात्मा जब देखा चाहता है वैसा करता है। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, शिव जी कथा सुना रहे हैं देवी को रामचरितमानस की, है ना? तो सुनाते सुनाते कथा कहा कि भगवान के अवतारों की कथा सुना रहे थे, कहता कि नारद श्राप दिन में एक बार नारद ने श्राप दिया, तो जैसे ही उन्होंने सुना माता जी ने, क्योंकि नारद जी गौरी जी के गुरु थे, पार्वती के गुरु थे, गिरजा चकित भई सुनी मानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। उन्होंने कहा करे महाराज, नारद ने क्यों श्राप दिया, वो तो विष्णु के भक्त है और ज्ञानी भी है, तो भक्त कभी भगवान को श्राप देता? यह प्रसंग वही कहा पुरानी मन मोहे आश्चर्य भारी, कहा कि मेरे मन में बहुत आश्चर्य हो रहा है, यह प्रसंग कुछ जरा विस्तृत बताइए। तो वहां प्रसंग आता है बोले बिहसु महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई ज्ञानी है, न कोई मूढ़ है, न कोई मूर्ख है, न कोई पहलवान है, कोई बलवान है, न कोई कमजोर है, जेई क्षण रघुपति जस करे तेई क्षण तय करे। जिस समय वह परमात्मा जैसी इच्छा करता है वैसा ही होता है। आप बहुत सारा ज्ञान आपके पास है ना, सब खूब याद है आपको, सुनो अगर जब सुनो बोलो बहुत तेजी से आप जैसे मैं बोलता हूँ जैसे बोला सुनता है विश्व में याद जरा हो जाएगा। वो परमात्मा कब भुलवा देगा, कब याद करा देगा, कब शक्ति खींच लेता है, कब शक्ति छोड़ देता है, कोई भरोसा नहीं। कब व्यक्ति राइट से पर्वत बन जाता है इसका किसी को कोई नहीं समझता, और कब पहाड़ पहलवान जैसा आदमी एकदम मच्छर जैसा बन जाता है कोई नहीं जानता। अलग अलग समय पर अलग अलग लोग सारे लोग वह परमात्मा जिस क्षण जैसा करता है वैसा ही होता है। करायत नचेद एवं देवो न खल कुशल अस्पंदित मनु, उस परमात्मा सहित कोई भी ऐसा देवता नहीं है, न चेद एवं कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो उस शक्ति के बिना स्पंदन करने में हिलने डुलने में भी समर्थ हो जाए। अतस काम आराध्यम हरिहर विरंचादि भी, इसलिए हे देवी हे माता, आपको हरि माने ब्रह्मा, हर माने विष्णु,
आदि माने विष्णु, हर माने ब्रह्मा और विरंच माने हरि हर विरंचादि विरति हरि हर विष्णु शिव और ब्रह्मा ये सब के सब निरंतर माँ जगदुपा का ध्यान करते रहते हैं कि हे माता हम तुमने हमको पालन के काम में लगाया, तुमने हमको सजन के काम में लगाया, तुमने हमको संघार के काम में लगाया, तो हमको शक्ति दिए रख, तुम्हारी शक्ति से ये सारा कार्य सिस्टम हम चला पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अतस्तम आराध्या, इसीलिए सारे ब्रह्मा विष्णु महेश उस देवी की निरंतर आराधना करते रहते हैं। करे सुधा सिंदोर मध्य सुरवित पिवाति परिवृते मणि द्वीपे दीपो पवनवति चिंता मणि गृहे शिवाकारे मंचे परम शिव परयंक निलयां भजन्ति त्वाधन्या कतिचन चिदानंद लहरिम। सुधा सिंधोर मध्य, सिंधु माने सागर समुद्र, सुधा माने अमृत, अमृत का बहुत बड़ा सागर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अमृत का सागर है। अब उस सागर में विटप माने बहुत बड़ा जंगल है, काहे का जंगल है, सूर विटप, सूर माने देवता, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का बहुत बड़ा जंगल है। और वह जंगल कहाँ है, परिवृत, एक वहां पे एक मणि द्वीप है, मणियों से बना हुआ एक द्वीप है। जरा विचार करिए कि अमृत का सागर है, अब जो माता जी के पास जाएगा तो अमृत सागर तैर कर नहीं जाएगा, माता जी के यहाँ जाने के पहले ही अमृत मिल जाता है। अब पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, उसके चारों तरफ जो द्वीप है वह मणियों का बना हुआ है। अब मणियों का द्वीप, किसी को एक मणि मिल जाए, अगर एक नागमणि मिल जाए तो अमूल्य अनंत मूल्य हो जाता है उसका। अब माता जी मणियों के द्वीप में विराजमान रहती है, और क्या है, उसे चारों तरफ से कल्प वृक्ष चारों तरफ से लगा हुआ है, चारों तरफ से कल्प वृक्ष लगा हुआ है। अब वह कल्प वृक्ष कह रहे हैं कि पवनमति चिंतामणि, उस मणियों के द्वीप पर चिंतामणि नामक मणि से एक घर बना हुआ है, और उस घर में माता जी निवास करती है। चिंतामणि का नाम सुने आप लोग, चिंतामणि, चिंतामणि जैसा मणि होती है उसी चिंतामणि की है, बहुत दुर्लभ चीजें हैं, स्वर्ग लोक में मिलेगी या तो ब्रह्म लोक मिलेगी, भूलोक में तो प्राय या तो परमात्मा की कृपा हो जाती है तो मिल जाता है। तो चिंतामणि कहा जाता है कि आपको जितनी भी चिंताएं हैं आप चिंतामणि से एक बार स्पर्श करके कहिए कि मेरी सारी चिंता हर कर लो, आपको धन की चिंता है तो धन मिल जाएगा आपको, आपको घर की चिंता है घर मिल जाएगा, पुत्र पुत्रा की चिंता है पुत्र पुत्रा मिल जाएगा, आपको प्रधानमंत्री बना हुआ चिंता है उसको स्पर्श कर बोलते लोगो आप प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो। तो कह रहे कि चिंतामणि गृह, चिंतामणि से बना हुआ गृह माने घर है, और उस घर में माता जी आप बैठती है, माता जी का आदर करता है। शिवाकारे मंचे, शिवाकार मंच है, शिव का शिवाकार क्या है, शिव जी का भी तो कोई आकार नहीं है, शिव जी भी निर्गुण निराकारी तत्व है। यहाँ पे शिवाकार तत्व को कहा गया कि शिव जी, शिव माने होता है परम कल्याणकारी, तो माता जी का जो आसन है परम कल्याणकारी आसन है, माता जी जब भी जहां भी रहती है वो कल्याण ही करती है। शिवाकारे मंचे, अनेक कल्याणकारी मंच पर विराजमान हुआ भगवती परम शिव पर्यंक निलयां, और उस पर जो बिछौना बिछा हुआ आसन जो बिछा हुआ है वह परम शिव का बिछा हुआ है। परम शिव कहते हैं जो शिव और शक्ति दोनों से युक्त हो जाता है वो परम शिव हो जाता है। तो कह रहे हैं कि उस परम शिव का बिछौना बिछा हुआ है, तो माता जी की शक्ति जैसे ही शिव से स्पर्श होती है पलंग पर बिस्तरे पर मंच पर, वैसे ही एक बिछौना वहां तैयार होता है जो शिव शक्ति रूपा होता है। तो कह रहे परम शिव पर्यंत निलयम, उसके ऊपर अब वह भगवती
जो परा अम्बा जगत जननी जगदम्बा है, जिसको संसार में लोग दुर्गा के नाम जानते हैं, पार्वती के नाम जानते हैं, लक्ष्मी के नाम जानते हैं, वो कह रहे कि भजंती त्वा धन्या कति चरण चिदानंद लहरी। इस तरह से माँ का ऐसा स्वरूप कि आनंद सागर में एक मणियों का द्वीप है, उसमें चिंतामणि नामक एक मकान बना हुआ है, उस मणि के चारों तरफ कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। अब जरा विचार करिए कि एक कल्प वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष जानते हो क्या है? कल्प वृक्ष जो कल्पना का जो है, हाँ, उस वृक्ष के नीचे जो कल्पना करिए आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। आप मनुष्य को कल्प वृक्ष प्राप्त है, प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है, लेकिन मनुष्य को कल्पना करना ही नहीं आता है, कल्पना ही नहीं करना आता। पहले एक दृष्टांत बताते हैं, फिर बताते हैं कि मनुष्य में कैसे गठित होता है। हम सभी में भगवान ने गारंटी लिया है ना, सुनि मुनि तो ही कहा सहरोसा, भजा ही मोह ही तजी सकल भरोसा, तिनकर करहु सदा रखवाली, जीवे बालक राखे मां। भगवान ने गारंटी लिया, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं पहाम्यहं। योग कहते हैं जो सुख तुमको प्राप्त नहीं, वो सुख प्राप्त करा देते हैं, और जो सुख मिला हुआ उसको चिर काल तक संरक्षित करते हैं, उसको क्षेम बोलते हैं। ये भगवान गारंटी लिए है। हम लोग क्या करते हैं, पहले दृष्टांत को समझिए। एक व्यक्ति था, पहुंच गया, कहीं जा रहा था, जाते जाते थक गया, जंगल पहुंच गया। संयोग से वो कल्प वृक्ष का जानता नहीं था कि कल्प वृक्ष है, उसको ज्ञान नहीं था, अब थक गया था, उसको बड़ी निद्रा आ रही थी, वहीं पर गमछा बिछाया, पेड़ के नीचे सो गया। एक घंटे बाद नींद खुली, भूख से छटपटाने लगा। हमारे कमरे में छोटा वाला जो है ना थर्मस, उसमें गर्म पानी है, गर्म किया, तो उसको भूख लगने लगी। जब भूख लगने लगी तो मन में सोचा बताइए जंगल में फंस गए हैं, अगर भोजन मिल जाता बड़ा आनंद आता। तो झट उसके सामने भोजन थाली आ गई, देखा भोजन चावल दाल रोटी सब्जी, लौकी की सब्जी, दाल मूंग का, इसमें खीर भी बना रहता तो और आनंद आता। देखा कटोरी में खीर आ गई, फिर कल्पना अरे रसगुल्ला भी रहता जरा तक गोदविया का तो और आनंद देता, रसगुल्ला भी आ गया, है ना। तो जो जो कल्पना करता सब उसके सामने प्रकट हो गया, वो खाया सब खा गया। जब खा लिया अब तो भय बहुत ज्यादा खा लिया, अब चलने फिर रहा है कि स्थिति नहीं है, अब तो मन कर रहा है कि यही सो जाओ, लेकिन कहाँ सुनी तो नीचे गमछा पिछा कर सोया था, कंकड़ छोटे छोटे गड़ रहे थे, यहाँ पे एक बिस्तरा मिल जाता तो देखा एक खाट आ गए, वहाँ पर खाट दिखाई दे गया, अरे खाट भी कठोर, इस पर गद्दा लगा होता तो गद्दा चद्दर तकिया सब भी उस पर लग के वो तैयार हो गया, अब बढ़िया, अब ठाठ सोया। पहले गमछा पिछा कर सोया तो खर खर एक घंटा तक सोया, जब भर पेट खा पी लिया, गद्दा मिल गया, खटिया मिल गया, अब उसको भी दिया एक बच्चे को, सोचने लगा कि कहाँ से आया, कौन दिया, अच्छा लगता है कोई आदमी कोई देख फंसा रहा है क्या, अच्छा जंगल में कौन आदमी फंसाएगा, अरे मैं जंगल में हूँ कहीं कोई शेर ना आ जाए, तब तक एक शेर दहाड़ देख दिया, मतलब तो शेर सबू दिखाई दे गया। अब सोचने लगा कहीं से मेरे तरफ ना आ जाए, बस से उसी तरफ आ गया, कर अरे कहीं ये तो मेरे पास आना आ जाए, तो उसके पास आ गया, कहीं हमको खा ले जाए, बस से उसको खा गया। क्या समझा, जैसा जैसा कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे कल्पना करोगे वैसा वैसा होता चला जाएगा, मनुष्य का शरीर वही मिला हुआ। या बाबा जी छटक करके कूद करके देखते कोई नहीं है, झटते केतली में चाय लेकर सबके दरवाजे में जाते थे, नहीं मिला देते। हम तो जो पहले बार आए ऊपर बड़े जल्दी जल्दी गए केतली में चाय लेकर पी लगते, हम कहे कहते मान तो ये है केतली में चाय लेकर दौड़ रहे, जब जल्दी ने मनुष्य को सुख कहाँ दिखाई दे रहा है। आप हमारा साथ संक्षेप में कहता है संतोषम परमम सुखम,
आपको जो भी प्राप्त है उसी में संतुष्ट रही है, आगे की कामना ही मत करके। अच्छा आप ये बताइए, जिसके पास खूब धन है, अब एक दिन कभी चर्चा हुई थी ना अंबानी कितना खाता है, एक दिन चर्चा हुई थी, एक दिन हम लोग बैठी के दो दिन चर्चा हुई थी ना, एक या दो रोटी खाता है, आप उसके पास खरबों की संपत्ति है, बोलिए। हम आप यहाँ बैठे हो, कोई ऐसा नहीं होगा जो तीन चार रोटी से कम खाता होगा, और रिक्शे वाले जो सबसे गरीब दिखाई देते हैं वो आठ दस रोटी खा जाते हैं, बोलिए। और रिक्शे वाला, मैं एक दिन आ रहा था रात में, तो मैं देखा ये आप लोग कभी देखे नहीं देखे, मैं उस दिन से बड़ा मैं सोच रहा हूँ तो अब जड़ा आएगा तो मैं कम बताई, मैदागिर है ना, मैदागिर ने इधर इधर दुकानें बनी है ना, तो दुकानों के सामने केवल अब आप फुट डेढ़ फुट दो फीट चौड़ा खाली उनका बरांडा टाइप का फुट स्टेप रखने का है, उसी पे लेबर क्लास के लोग उतने में दो फीट लंबाई में लेटे पड़े थे। आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं देखा, देखा है? अब जरा विचार करा कितना खास लोग सो रहे, जितना बढ़िया मच्छर उनको मच्छर की चिंता है, हम लोग कमरा मिला है पंखा लगा हुआ तो भी क्वाइल 250 रुपए वाला क्वाइल ले आना, जरा भाई मच्छर बहुत काटता है, क्या करिए ना, सुख कहाँ पर है और कितनी बढ़िया। चतुर्थकम
पंचम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात महागौरी तीर्थाश्रमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। वह जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जो है अपनी ही प्रकृति से नौ भागों में विभक्त होती रहती है। तो नौ दिन ब्रह्मांड बनाने में नौ दिन लगा, प्रत्येक दिन अलग अलग रूप धारण करके उसने बनाया है। प्रथम शैल पुत्री च, प्रथम स्वरूप उसका जो बना वो गौरी का बना, शैल पुत्री बनी, हिमालय की जो पुत्री है वो प्रथम स्वरूप बना होगा। उस रूप में उन्होंने सारे पंच महाभूतों का निर्माण किया, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, और दूसरा जो स्वरूप माँ का बना वो ब्रह्मचारिणी बनी, उसमें उन्होंने सारा वेद प्रकट कर दिया, ज्ञान प्रकट कर दिया। तृतीय चंद्र घंटे थी, और चंद्र घंटा से ही क्रिया शक्ति का आविर्भाव होता है। तो चंद्र घंटा बनकर के माता सारे जगत में विभिन्न विभिन्न पदार्थों का निर्माण करके, गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, उखल है, मुसल है, जो कुछ भी सरकार में है तरफा बनाया उसने। तो इस तरह से अब नौ दिन अलग अलग दिन एक एक का वर्णन विस्तृत करेंगे, अभी संक्षेप में बता दे रहे हैं। पंचमम स्कंद माती, स्कंद की माता बन के माता जो है देवताओं के लिए कवच बन गई होगी। दिखाई तो देते हैं कि स्कंद जी जो है सेनापति है, एक वास्तव में माता की ही शक्ति है, वहां पर सब देवताओं को विजय कराती है। षष्ठम कात्यायनी, कात्यायनी भगवती बनकर के वह माता उसी कात्यायनी की आराधना पूजा किए हैं भगवान कृष्ण, उनको पुत्र नहीं हो रहे, सारी उनकी पत्नियां बहुत डांट रही थी, कहते भगवान तुम हो एक पुत्र नहीं पैदा कर सकते हो। तो उन्होंने कात्यायनी भगवती की स्तुति किया, पूजा किया, उनका विधिवत पूजन किया, उनका व्रत अनुष्ठान किया। तो कात्यायनी भगवती प्रकट हुई, कह के तुमको प्रत्येक स्त्रियों से दस दस पुत्र पैदा हो, है ना। तब कितने उनकी स्त्रियां थी, 16108 आठ प्रधानियां थी, और 16100 जो भस्मासु पकड़ ले गया था तो उसके यहाँ कैद में से नहीं आए थे। तो 16108 रानियां थी, तो सबको 10-10 पुत्र हुए, तो कितने हो गए 161,080। भगवान ने कहा कि इनका 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 अवसर उसका श्राप भी था गांधारी का, गांधारी ने श्राप दिया था जैसे मेरे वंश का तुमने समापन कर दिया, तुम्हारे वंश का भी समापन हो जाएगा। भगवान हंस दिए, कहे तुम क्यों हंस रहे हो, कहा ये तो मेरी इच्छा थी, मैं भी चाहता था कि मेरा कि सब यद वंश समाप्त हो जाए, इतने बड़े उत्पात करने वाले हैं। वो कथा बड़ी लंबी है, उस कथा कभी आएगी, भागवत की कथा है। तो उसमें फिर दुर्वासा ऋषि वहां गए, भगवान उनको प्रेरणा करके बुलाए, दुर्वासा ऋषि के श्राप से श्राप गलती किया, श्राप बने, श्राप ने उनका पुत्र था श्राप, श्राप ने गलती किया, सारे यदवंशियों को श्राप दिया, सारे यदवंशियों आपस में लड़के मर जाओगे, सभी यदवंशी आपस में ही लड़के मर गए। तो वह कात्यायनी भगवती भगवान कृष्ण ने आराधना किया, सप्तम काल रात्रि, काल रात्रि भगवती जिसे रथ बीज को मार मार करके सफाचक कर दिया, काल रात्रि भगवती उत्पन्न हुई। काल रात्रि सप्तम काल रात्रि था महागौरी की चर्चा, और जो महागौरी है जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने भगवान शंकर की प्रिया है, फल कौन देता है, भगवान शंकर देते हैं, और किसकी शक्ति से देते हैं, माँ गौरी की शक्ति से देते हैं। नमः शिवाभ्याम नव यौवनाभ्याम परस्परात्लेष्ट वपुरुधराभ्याम नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वती। एक पहाड़ की पुत्री है, एक विद्वान है, एक कुशवला जाति प्रिय है, एक मरे हुए व्यक्ति का बहुत राख लगाता है, ये श्रृंगार करते हैं, दोनों परस्पर विरोधी विचार वाला दिखाई दे रहा है ना। एक मणियों से विभूषित है, एक शेर पर चलने वाली है, एक बूढ़े बैल पर चलने वाला है नहीं? अब एक आदमी चले हवाई जहाज से, एक आदमी सामने टिटिया पंचर वाली साइकिल से चले, तो दोनों उल्टा पुल्टा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन दोनों हमेशा एक ही है। तो कह रहे हैं कि वो शिव और पार्वती दोनों एक ही है, वस्तुतः दिखाई अलग अलग देते हैं, वस्तुतः एक ही है। बोलिए शिव शक्ति रूपा परमात्मा की, उमा महेश्वर भगवान की।